सीहोर के मुरली मोहल्ला में स्कूल जा रही मीनाक्षी के साथ नशे में धुत व्यक्ति द्वारा छेड़खानी एवं मारपीट करने का मामला सामने आया है। छात्रा मीनाक्षी विश्वकर्मा शाला मुरली सीहोर में फिफ्थ क्लास में पढ़ती है। जब सुबह वह घर से स्कूल जा रही थी तो नशे में धुत एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मीनाक्षी के साथ छेड़खानी एवं मारपीट की गई। छात्रा द्वारा जब शोर मचाया गया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को देखकर आरोपी व्यक्ति फरार हो गया। इस बात की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा उक्त घटना की एफआईआर दर्ज कर ली गई। छात्रा के परिजनों एवं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि यहां स्कूल के आसपास अवैध शराब का विक्रय होता है, इस कारण से यहां पर इस तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के अपराध होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। कौशल्या विश्वकर्मा है, उन्होंने थाने पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी तीन लड़कियां हैं छोटी, जो वो भोपाल नाके के पास राजा भोज गार्डन है उसके सामने सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ती हैं। आज 10 बजे वो तीनों लड़कियां वहाँ स्कूल जा रही थी तो दो लड़कियां तो चली गई थी अंदर स्कूल में। एक लड़की उनकी 11 वर्ष की जो है मीनाक्षी इसका नाम है, वो स्कूल के बाहर ही थी तभी वहाँ से कोई नशेड़ची आदमी निकला और उसने बेवजह उसके साथ में मारपीट कर दी, उसके बाल बाल पकड़ के झंझोड़ दिए और उसके बाद वहाँ मौके पे लोगों ने उसको पकड़ भी लिया था लेकिन वो छूट के भाग गया उनसे। तो इसी बात की उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने पर तो हमने मारपीट की धाराओं में उस व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है और साथ में वो गिरफ्तार भी कर लिया। सर उसका इरादा कुछ और तो नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। ये हम लोगों ने उनकी बच्ची से भी पूछताछ की और उसकी माँ से भी पूछा, ऐसा कोई छेड़छाड़ का इरादा उसका नहीं था, वो नशे की हालत में था और बेवजह उसने ये हरकत की। क्या क्या कार्रवाई? इसमें जो उसने कृत्य किया है आपराधिक, उस आपराधिक कृत्य के खिलाफ जो बाधावी की धाराएं होती हैं उस प्रकरण पंजीबद्ध किया है। महेंद्र सिंह चौहान जी, संस्था प्रबंध। करीब 10:15 बजे के आसपास बच्ची आ रही थी स्कूल, तो ये अपने स्कूल के बगल में कुछ शराबी बैठे थे, तो उसमें से एक ने उस बच्ची को हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ा था? हाँ। अच्छा, तो वो तुरंत रोती हुई स्कूल में भग के आई। हाँ। मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो जब जाके वहाँ पे मैं तुरंत ही गया लेके बच्ची को। हाँ। तो वो बैठा हुआ था धोते शराब में। हाँ। और 4-5 और भी बैठे थे उसके साथ। हाँ। में। हाँ। तो बताया कि ये है, बच्ची का नाम है कोमल मीनाक्षी, सब इसी क्षेत्र के हैं, बता रहे हैं कि कोई हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला है। अच्छा, है यहीं के, बाकी के जो हैं वो भी सब यहीं के हैं। अच्छा अच्छा, कुछ सुंघाया था बच्ची को? नहीं सुंघाया उंगाया नहीं। हाँ। वो तो केवल हाथ पकड़ा है। हाँ। अच्छा, और ये क्या है, स्कूल में डेली शाम रात को टाइम में शराब पी जा रही है? अच्छा, बहुत परेशान है क्योंकि यहीं आसपास बिकती है शराब। शराब बिकती है? हाँ, शराब बिकती है, अवैध दारू बिकती है। हाँ, अवैध डेली शराब, और सब यहीं के आसपास पीने वाले भी और बेचने वाले सब यहीं के। अच्छा, अब क्या है कि कई बार कह चुके पर नहीं समझ आती है। अच्छा, बहुत परेशान है सही में। अपने यहाँ से कितनी दूर तक शराब बिकती है स्कूल से? स्कूल बाउंड्री के जस्ट 10 मीटर 20 मीटर। अच्छा, स्कूल के पास ही शराब बिकती है? हाँ, और क्या। ठीक है। मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हुआ था आपके साथ बेटा? मेरा एक इधर ना एक नक्सु बेटा था, उसने हमको पकड़ लिया था। आपको पकड़ लिया था, मारा भी आपको? हाँ। कौन थे वो लोग, पहचान लोग यहाँ? नहीं। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? मैं स्कूल आ रही थी। स्कूल आ रही थी तू? हाँ। कौन सा स्कूल पढ़ती बेटा? सरकारी। सुंघाया भी था क्या? कौन सी? हाँ। क्लास में? फिफ्थ में। कौन सा स्कूल? सरकार। कौशल्या, क्या हुआ था, क्या घटना थी? मेरे पास फोन पहुंचा यहाँ से मैडम का, बोले आपकी बच्ची को एक दारू पीने वाले ने बहुत मारा के ना। हाँ। बाल लाल सब लोच दिए और वो दूज रही है बुरी तरीके से, आप जल्दी आ जाओ के ना। तो यहाँ पे तो रात को भी देखते हैं तो मतलब भीड़ मिलती है, दिन को भी देखते तो भीड़ मिलती है। ये बंद होना चाहिए। क्या बंद होना चाहिए? कलारी। कहाँ पर है कलारी? ये राजा फोर्स गार्डन के पास ही है। कौन बेचता है? ये देवकरण है। अच्छा, ये सरकारी है कि अवैध रूप से बेचता है? नहीं, ब्लैक से बेचता है वो। ब्लैक से गांजा भी बेचता है। शिकायत कभी आप लोगों ने की है? नहीं, पहले हुई थी इसकी शिकायत। पहले वो छूट के और आ जाता है, 2-3 बार हो गया ऐसा। गाँव वाले सभी बोलते हैं, बोले ये बंद होना चाहिए। तो ये गलत जगह है ना। अच्छा। आज मेरी छोटी लड़की को पकड़ा, मेरी बड़ी भी जाती है स्कूल में। हाँ। उसे पकड़ता तो फिर मेरी क्या इज्जत रहती। सर, किसी नशेले ने इसे नशेला पदार्थ सुंघाया। हाँ। और मारा। कहाँ पे मारा? ये है, यहीं पर। कहाँ? ये पंडा की गुमठी लगी यहाँ पे। क्या होता है गुमठी में? दारू बिकती है। कौन बेचता है? पंडा बेचता। क्या नाम है पंडा का भाई? यही तो देवकरण। देवकरण नाम है। हाँ। आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया?
लिया कितनी बार लिया? कई बार पिट गया वो, कई बार किसी ने मारा। क्या बोला पुलिस को? बताया कभी आपने? सबको बताया, आते हैं चले जाते हैं, कुछ होता ही नहीं उसका, बंद नहीं होती हूँ। अच्छा, आज तक बिक रही हूँ। बच्ची क्या कर रही थी आपकी? स्कूल आ रही थी। स्कूल आ रही थी? हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला पूरी घटना बताइए। हमें तो किसी ने फोन लगाया था, इनके पास लगाया घर पे पहले। हाँ। फिर इनने मेरे पास लगाया, मैं काम पे था। अच्छा, वहाँ से चला आया, काम पे से भागा। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? ये इनने बताया घर वालों ने, किसी ने उसे दारू पी के मारा। अच्छा, इसको मारा। हाँ, और कुछ सुंगाया भी है। कुछ सुंगाया भी है? हाँ। अच्छा, तो पुलिस आई है अभी? आई तो है, बाकी क्या मालूम कहाँ आई पुलिस। दो घंटे में आई पुलिस। कितनी देर में आई पुलिस? एक डेढ़ घंटे हो गया करीबन। अभी तक पुलिस ने क्या किया है? कुछ भी नहीं करा, खाली घूम रहा हूँ, तो इससे पूछ रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं करी। तो बैठा अंदर घर। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।